दोस्तों, नए संसद भवन में जाते ही आखिर मोदी सरकार ने संविधान के बदलाव के साथ ये चाल क्यों खेली? हमारे देश के सांसदों को संविधान की कॉपी बांटी गई नए संसद भवन में, लेकिन इस पर अब विवाद खड़ा हो गया। देखिए, आप कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाया गया, और इस पर मोदी सरकार बोली कि ये मूल संविधान में थे ही नहीं। दरअसल बात यह कि साल 1949 में जब संविधान की मूल प्रस्तावना थी, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे, लेकिन साल 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया और उसमें ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ा गया। वैसे इनका हिंदी में मतलब होता है धर्म निरपेक्ष और समाजवादी। नए संसद भवन में दो बड़े झगड़े शुरू हो गए, एक तो ये संविधान संशोधन को लेकर और दूसरा बड़ा झगड़ा आरक्षण को लेकर। जो महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है, लोकसभा में इस पर आज भी चर्चा हुई। महुआ बोले कि मुस्लिम महिलाओं को भी फायदा मिले, तो इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा कि जो मुस्लिम आरक्षण मांग करने वालों को मैं बताना चाहते हूँ कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा, उसमें ना फंसे। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी भी बोली कि इसे फौरन लागू किया जाए। एसपी एनसीपी की ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की भी मांग है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस महिला आरक्षण बिल से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और सपा की डिंपल यादव ने ओबीसी महिलाओं को भी फायदा देने की वकालत की। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से नए संसद भवन में पहले ही दिन ऐसा जबरदस्त बिल पेश किया गया कि विपक्ष मानो उस बिल के पीछे टूट कर पड़ गया। आखिर मुद्दा भी कितना गहरा है। देश की माताओं बहनों महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, वो भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीटों में। यानी कि अब हमारे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, देश की राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि कुछ लोग इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल के पक्ष विपक्ष के विरोध अनुरोध के बीच में एक नया मुद्दा आज देखने को मिला संसद में, और वो ये कि जो सांसदों को संविधान की कॉपी बांटी गई ना, उस पर बड़ा मसला खड़ा हो गया। क्योंकि सांसदों को जो कॉपी मिली उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द ही नहीं है। अब सरकार ने तो ये क्लेरिफाई कर दिया कि 42वें संशोधन में जोड़े गए थे, हमने आपको मूल संविधान की कॉपी दी है। ये बैग जो आप देख पा रहे, ये सांसदों को संविधान की जो कॉपियां दी गई है, वो 18 तारीख को ही संसद पहुंचा दी गई थी। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। और इस बीच जहां आपको पता होगा भारत देश का नाम भी इंडिया भारत से केवल भारत करने के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, चल रही है, तो देखते हैं आगे सरकार की तरफ से इस पर और क्या नए फैसले, बड़े अपडेट आते हैं नए संसद भवन से। जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।